गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना फोन पे पे यूपीआई अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो गाइस सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस आपने फोन पे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपने इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 डिजिट का अपने मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो गाइस आपको मोबाइल नंबर अपना वो एंटर करना है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है, और वही मोबाइल नंबर आपके अभी इस वक्त मोबाइल में भी वो सिम होना चाहिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपने प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो जाएगा और आपका जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपसे लोकेशन को एनेबल करने के लिए बोलेगा, तो आपने लोकेशन को एनेबल कर देना है। जैसे आप लोकेशन वगैरह एनेबल कर देंगे फिर आपसे टेक्स वगैरह ये परमिशन मांगेगा, आपने सब चीज को यहाँ पे एनेबल कर देना है। अब सबसे पहले गाइस आपसे ये पूछेगा ऐड बैंक अकाउंट, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप साथ के साथ अपने बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो कौन सा है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा एक दो अकाउंट है, मेरे एक कोटक महिंद्रा बैंक में है और एक HDFC में है। तो मैं HDFC पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा फिर यहाँ पे ये पूछेगा सिम के लिए जो मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया होगा, तो ये पूछेगा जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है वो कौन से सिम की स्लॉट है। तो आपने सिम सिलेक्ट कर लेना। अगर आपके मोबाइल में दो सिम है तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाएगा, एक ही सिम होगा तो शायद ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा। सिम को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक ये आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा कि आपका मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे एंटर किया है कि ये आपके मोबाइल में बाकी है या नहीं है। आपसे कुछ ऐसे एक्सेस करने के लिए बोलेगा, तो आपने यहाँ पे अलाउ कर देना है परमिशन को, जितनी बार आपसे पूछे जाए आपने अलाउ करना है, और फिर थोड़ा सा वेट करना है। आपके मोबाइल से एक SMS जाएगा और आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो जाए। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं फाउंड वन अकाउंट विद HDFC बैंक, तो यहाँ पे नेम वगैरह डिटेल्स वगैरह सब कुछ शो हो जाएगी और यहाँ पे आपकी UPID भी दिख जाएगी आपको कि जो आपकी UPID, अगर आप इसको एडिट करना चाहते तो एडिट पे करके आप अपनी मर्जी से कोई UPID रख सकते हैं। अगर आप एज इट इज रखना चाहते हैं जो आपको फोन पे ने बाय डिफॉल्ट क्रिएट की होगी तो वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोसीड टू ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने इस मोबाइल नंबर से किसी और एप्लीकेशन में भी UPI अकाउंट क्रिएट कर रखा है, जैसे कि Paytm हो गया या फिर गूगल पे हो गया, तो वहां पे आपने UPI का जो 4 डिजिट का पिन होता है अगर आपने उसको बना रखा है, अगर आप वही पिन इसमें भी इस एप्लीकेशन में भी रखना चाहते हैं तो आपको कोई यहाँ पे पिन रीसेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पिन रीसेट करें, आप दूसरा पिन बनाना चाहते हैं, तो आपने रीसेट पिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रीसेट पिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको लास्ट 6 डिजिट आपको आपका जो डेबिट कार्ड होगा उसके एंटर करने होंगे, मंथ यहाँ पे एक्सपायरी उसकी एंटर करनी होगी, और उसके बाद फिर आपको ऑप्शन मिलेगा जो आपका UPI पिन होगा उसको रीसेट करने का। बट मुझे अभी रीसेट नहीं करना है, मेरा एक और UPI अकाउंट है फोन पे एप्लीकेशन में, तो मैंने उसमें जो क्रिएट कर रखा है UPI पिन उसी को मैं यूज करूंगा। तो इस तरीके से गाइस आप फोन पे भी अपना UPI अकाउंट बना सकते हैं। मेरा UPI अकाउंट बन गया है, अब मैं किसी को भी यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। फोन पे की इस एप्लीकेशन से मैं रिचार्ज कर सकता हूँ, किसी भी चीज का बिल पे कर सकता हूँ, काफी सारे ऑप्शन हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप फोन पे एप्लीकेशन के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं, जैसे कि इसको यूज कैसे करना है, कैसे किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, या कोई भी डिटेल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं किसी भी ऑप्शन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर एक न्यू वीडियो बना के दे दूंगा और आप फिर आसानी से उसके बारे में सीख सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।